स्टैंडर्ड 7th, प्रैक्टिस है 27, एक छोटे से इजी से फॉर्मूले पे ये पूरा आपके प्रैक्टिस है बेस्ड है। अगर ये फॉर्मूला आपको अच्छे से आ गया तो आप कोई भी सम ऐसा नहीं जो आप नहीं कर सकते। फॉर्मूला है इंडाइसेस का, इसको लॉ कहते हैं, मतलब नियम, ए रेस टू एम मल्टीप्लाइड बाई ए रेस टू एन कितना होता है, ए रेस टू एम प्लस एन। आई रिपीट, नीचे जब दोनों नंबर सेम हो, यानी आपका जो बेस है अगर वो सेम नंबर है ए ए, और ऊपर दो अलग अलग नंबर है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ए रेस टू एम मल्टीप्लाई एन को कैसे लिखेंगे, एम प्लस एन। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 27 क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब आंसर को छोटा करो, इसको छोटा करो। फर्स्ट 7 मल्टीप्लाई बाय 4, सॉरी 7 रेस टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 रेस टू 2। आप देख सकते हो यह आपका ए है, जो दोनों सेम सेम है, यहाँ पे ए सेम था वैसे यहाँ पे आपका बेस क्या है 7, ये है आपका एम, ये आपका एन। तो फॉर्मूला क्या है, ए रेस टू एम मल्टीप्लाइड बाय ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन, है ना, जो ऊपर फॉर्मूला था वही यहाँ पे लिखा, 7 रेस टू 4 प्लस 2, ये फॉर्मूला आपको बताना पड़ेगा लिख के। ठीक है, तो 7 रेस टू 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना होता है 6, तो 7 रेस टू 4 प्लस 2 कैसे लिखेंगे, 7 रेस टू 6। सेकेंड, माइनस 11 रेस टू 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 11 रेस टू 2, यहाँ पे आपका a क्या है माइनस 11, m क्या है 5, n क्या है 2। सो फॉर्मूला क्या है, a रेस टू m मल्टीप्लाइड बाय a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m प्लस n, है ना, ये फॉर्मूला लिख के आपको दिखाना पड़ेगा बाजू में, ये फॉर्मूला आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। फिर 5 प्लस 2 कितना होता है 7, सो माइनस 11 रेस टू 7। यहाँ पे देखो 6 अपॉन 7 रेस टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन 7 रेस टू 5, ये a रेस टू m मल्टीप्लाइड बाय a रेस टू n। सो कैसे करेंगे, a रेस टू m मल्टीप्लाइड बाय a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m प्लस n, फॉर्मूला आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, सो 6 अपॉन 7 रेस टू 3 प्लस 5 कितना होता है 8। ठीक है, इजी है, समझ में आ गया, तो ये फॉर्मूला जो है इसको नोट कर लो और इसको याद कर लो। वैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 है, टेक्स्ट बुक में पीछे आंसर भी दिया है, खुद से करना आंसर आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो मुझे पूछना, मैं बता दूंगा। अगला प्रैक्टिस सेट करेंगे हम अगले वीडियो में, इसको प्रैक्टिस कर लेना स्टूडेंट्स, टेक केयर।